साहब सुमित दिस साइड। जैसे इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप एक बिज़नेस ओन करते हो, एक ट्रेडिशनल बिज़नेस ओन करते हो, कोई ऑनलाइन बेस्ड बिज़नेस अगर आपके पास है तो वो तो टेक्नोलॉजी बेस्ड है और आप उसे ऑर्गेनाइजली और एक ऑटोमोट मोशन में आप चला ही सकते हो। लेकिन एक ट्रेडिशनल बिज़नेस लाइक ए ग्रॉसरी स्टोर, जो सबसे ग्रॉसरी स्टोर या फिर एक गारमेंट शॉप हो गया जहाँ पे प्रोडक्ट के क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर मेडिकल स्टोर। हालांकि मेडिकल स्टोर के बारे में मेरा इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इन दोनों सेक्टर्स में मैं थोड़ा बहुत मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। खासकर अगर आप ग्रॉसरी स्टोर मान के चलो, इनमें कम से कम 2,500 प्रोडक्ट्स होते हैं और हर दिन बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। जब पहले मैंने इस शॉप को खोला था तो मैं खुद सारा चीज़ मेंटेन करता था। एक टाइम पे मैं बिल्कुल अकेला इस दुकान पे रहता था और सब कुछ परचेस से लेके बिल से लेके सब कुछ करता था। लेकिन उस दिनों में मैं अपना बिलिंग सॉफ्टवेयर तो यूज़ करता ही था, लेकिन उसमें मैं परचेस एंट्री नहीं करता था। मैं मोटा मोटा देख लेता था इसका इसका प्राइस है और उस हिसाब से मैं बेचता रहता था, और हालांकि मैं बिल बना के देता था लेकिन परचेस एंट्री इतना नहीं करता था, क्योंकि एक बंदे के अंदर उतना एनर्जी नहीं होता है सारा चीज़ परचेस करो, खरीदो, एंट्री करो। खासकर एंट्री करना बहुत ज़्यादा बोरिंग चीज़ होता था और तब के दिनों में मैं खुद ही सब कुछ संभालता था। लेकिन आज के डेट में अगर आप इस तरह की बिज़नेस को संभालना चाहते हो, स्केलेबल करना चाहते हो, स्केलेबल करना चाहते हो, कोई भी बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, जो सही है मैं वो बता रहा हूँ और जो रियलिटी है मैं बिल्कुल आपको दिखा के बताऊँगा कैसे स्केलेबिलिटी किया जा सकता है। स्केलेबल करने के लिए अलग अलग मेथड आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक मेथड मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, करना है चार पॉइंट, आपको की पॉइंट है जो आपको मेंटेन करना है। एक है आपके पास एक फिज़िकल स्टोर है। मैं होम डिलीवरी बिज़नेस के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, अभी मैं मान लेता हूँ आपके पास एक फ़िज़िकल स्टोर है, उसको आप कैसे ऑटोमेट करोगे, या फिर आपके पास एक से ज़्यादा 2-3-4 काउंटर है तो आप उसको कैसे ऑटोमेट करोगे। ये इसके लिए आपको आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना तो चाहिए ही चाहिए, ये अलग बात है। सॉफ्टवेयर तो आपको चाहिए जहाँ पर आप सारे इन्वेंट्री रखोगे, सारे परचेस एंट्री होएगा, सब कुछ वो तो हो गया। तो पहला की पॉइंट है आपके पास एक फिज़िकल स्टोर होना चाहिए। दूसरी चीज़, एक आपका अलग से एक छोटा सा ही सही लेकिन एक अलग से गोडाउन होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपके पास सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। और चौथी चीज़ जो है वो आपके पास एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट पॉज बिलिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आप किसी भी कंपनी के ले लो, ये आप मुझसे पर्सनली ये मत पूछो मैं क्या ले लूँ। मैंने जो एरोनियम के बारे में बताया है वो एक छोटे स्टोर के लिए बनाया, एक छोटे स्टोर के लिए एनाफ है। और अगर आप थोड़ा बड़े लेवल पे जाना चाहते हो, वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर्स में थोड़ा बहुत सारे खामियाँ भी है, बहुत सारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है, तो एक ही लाइन में बोलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग ये कमेंट मत करो कि बेस्ट सॉफ्टवेयर बता दो, आज बोलो क्या कर रहे, कल क्या करेंगे, कल किस तरीके से आप लोगों से मतलब उससे रेवेन्यू निकालेंगे वो हमें पता नहीं है। दैट्स वाई मैं किसी भी पेड सॉफ्टवेयर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं रिटेलमैन यूज़ करता हूँ, ये बहुत ही जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, लेकिन आज के डेट में रिटेलमैन अवेलेबल नहीं है तो इसका जिक्र करने का कोई बात नहीं बनता। लेकिन अगर कोई भी सॉफ्टवेयर हमें मिलता है तो मैं बताऊंगा, और मैं भी एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ज़्यादातर कंपनी क्या है, ज़्यादातर कंपनी जो अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एज्यूम करके बना रहे हैं, लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी ऐसा नहीं है। मैंने आज तक मुझे नहीं पता कि वो लोग ग्राउंड लेवल के जाके ग्राउंड लेवल को समझ के सिस्टम को बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो उनके पास जितना क्रेडिबिलिटी है उसके साथ और जितना एज्यूम कर पा रहे उसके हिसाब से बना रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग बनाना नहीं चाहते, लेकिन बनाना तो चाहते ही हैं, लेकिन उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा नहीं अभी तक कोई भी, तो नहीं तो मैं रिकमेंड ऐसे ही करता। तो फिलहाल ये चार चीज़ आपको चाहिए, स्टोर चाहिए, गोडाउन चाहिए और सॉफ्टवेयर चाहिए, सीसीटीवी कैमरा चाहिए। अभी देखो सीसीटीवी कैमरा भी आपके पास है, सब कुछ, आप इन्वेंट्री में कुछ भी मिसमैच होता है और आपके पास मान लो कि 4-5
वर्कर भी है, उन लोगों को ट्रेनिंग भी कर चुके हो, सब कुछ हो, और आप स्टोर में फिज़िकली अवेलेबल नहीं हो, तो आप कैसे करोगे? आप जब देखोगे किसी भी चीज़ को परचेस करने जाओगे, देखोगे कि कुछ चीज़ें शॉर्टेज है, मिसमैच्ड है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक अकाउंट हम लोग क्रिएट करके रखते हैं, मिसमैच अकाउंट। तो ये देखो, पिछले 11, 12 और एक इस जनवरी का वो तीन महीने का थोड़ा स्टॉक मिसमैच मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें देखो 400 करीब 500 का है, ये 350 का है, ये 74 रुपये का है स्टॉक मिसमैच। अगर देखोगे तो ये पोस्ता दाना, ये इसका क्वांटिटी में हेर फेर हुआ था। तो वो सारे जो रिपोर्ट निकाल के हम लोग सारे बैक मतलब गोडाउन पे हम लोग चिपकाते हैं, ताकि वो लोग देख पाए कि इतना स्टॉक मिसमैच हुआ है कंप्लीट, और अभी तक वो सेटलमेंट हुआ नहीं है। तो अगर कुछ चीज़ मिसमैच होता है, हालांकि मैं खुद शॉप पे हूँ तो मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन ये सारे चीज़ रूल्स जो है वो बड़े बड़े जो भी रिटेल चेन है अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को भी कुछ कुछ लोग फॉलो करते हैं। तो मिसमैच अकाउंट में वो सारे चीज़ डालते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 20 पीसेस 2 लीटर का मिरिंडा है, तो आप जब उसे रीऑर्डर करने जा रहे हो तो उसके पहले, ठीक उसी के पहले, कोई ना कोई एक वर्कर उनका इन्वेंट्री लेता है और देखता है कि 2 पीसेस शॉर्टेज है। शॉर्टेज क्या है, या तो आपको इंस्टेंट आपको ऑडिट करना होगा थ्रू आपके सीसीटीवी कैमरा, लेकिन वो फ़िलहाल हर टाइम पे संभव होता नहीं है, क्योंकि एक मैनेजर हर दिन नहीं तो कुछ ना कुछ शॉर्टेज होएगा और वो ऑडिट करने के लिए अपने फुटेज देखेगा, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर जब कुछ बड़ा गैप आ जाता है तब वो ऑडिट के टाइम पे सारे फुटेज निकाल के वो मैनेजर देखता है। तो जितने भी सारे क्वांटिटीज़ जो इन्वेंट्री मिसमैच्ड है वो मिसमैच अकाउंट पे उठाया दिया जाता है, और उसका जो रिपोर्ट होता है वो बैक ऑफिस या फिर बैक स्टोर किसी एक जगह पे चिपकाया रखा जाता है कि इतने सारे ये सारे जितने भी अमाउंट है इतने अमाउंट का आज तक का मिसमैच्ड अकाउंट में है। आगे जाके कभी भी किसी भी तरीके से अगर कोई भी स्टाफ के द्वारा कोई भी गलती अगर ढूंढ लिया जाता है थ्रू कैमरा या फिर प्रूफ के साथ, तो सारे जितने भी उतने दिनों तक जितने भी मिसमैच अकाउंट में बैलेंस है वो उसी के ऊपर क्रेडिट किया जाता है, उसी पे वो धागा जाता है कि आपको ही सारे भरपाई करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो इन्वेंट्री जो रिटेल चेन होते हैं उस तरीके से ये भी एक स्ट्रैटेजी है, इस तरीके से वो लोग काम करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये वो था कि इतने सारे सामान होते हैं तो इसको कैसे हम लोग हैंडल करें, तो इस तरीके से हैंडल किया जाता है। और बेसिकली जब आप एक इस तरह की संस्थाएं चलाते हो, इस तरह की बिजनेस रन करते हो, तो ये एक फैमिली होता है। यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं सब एक फैमिली जैसा ही होता है, और इसके अंदर इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही क्लोज इन्वायरमेंट होते हैं। बहुत सारे ऐसा ज़्यादातर देखने को होता नहीं है। अगर कोई भी जो पहले के दिनों में होते थे, आज के डेट में बहुत सारे लोग करियर फोकस्ड है और अपने आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज़ है सबके लिए, तो ऐसा होता नहीं है। कभी भी अगर गलती से इधर उधर हो जाए तो उसके लिए ऑडिट होता है। तो इसी तरीके से मैनेजर सबको या फिर स्टोर ओनर सबको सभी स्टोर को मैनेज करते हैं। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला है, कैसे आप लोग अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहो कर सकते हो। तो मेरे पास जितना नॉलेज था मैंने थोड़ा बहुत शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसे कि अगर स्टॉक मिसमैच अकाउंट अगर आप लोग देखोगे हमारा, तो ये देखो पिछले 11, 12 और एक इस जनवरी का वो तीन महीने का थोड़ा स्टॉक मिसमैच मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें देखो 400 करीब 500 का है, ये 350 का है, ये 74 रुपये का है स्टॉक मिसमैच। अगर देखोगे तो ये पोस्ता दाना, ये इसका क्वांटिटी में हेर फेर हुआ था। तो वो सारे जो रिपोर्ट निकाल के हम लोग सारे बैक गोडाउन पे हम लोग चिपकाते हैं, ताकि वो लोग
देख पाए कि इतना स्टॉक मिसमैच हुआ है कंप्लीट, और अभी तक वो सेटलमेंट हुआ नहीं है।